पत्थर के बीचों बीच पानी पानी मीठा पानी। वो कहते हैं ना कि कोई तो है जो चला रहा है निजामे हस्ती, वो यही अल्लाह है जो चला रहा है निजामे हस्ती। मैं पहुंच चुका हूं ये नंगर पार्कर का बिल्कुल कंफर्म एरिया है। कुछ गांव वाले बैठते हैं यहां से, इनकी हिस्ट्री पूछते हैं। भाई मैं भैया बोलो खाते भी भाई और यहां से जो ये रोड है, इस तरफ एक मस्जिद है और इस तरफ ही एक मशहूर मंदिर भी है। आखिर मैं पहुंच चुका हूं नगर में, और नगर में ये है बूढ़ेसर शहर, जहां पे एक मस्जिद और एक जिन मंदिर है। तो यहां पे मैं अकेला नहीं हूं, यहां पे बहुत सारे टूरिस्ट और विजिटर आए हुए हैं। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को हुजूम लोग ऑलमोस्ट मैं अंदर आ चुका हूं, और यहां पे नाथानी हो रही है। लोग यहां पे अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं यादगिरी के लिए। ये है वो ओल्ड मस्जिद, ये मस्जिद है वो जहाँ पे लोगों का हुजूम और नात खानी हो रही है अंदर। चुका हूं मैं बिल्कुल नंगर पार्कर की पहाड़ियों के ऊपर, और ये था ड्रीम कि यहां पे पहुंचूं, और फिल्म आखिर 8 दिन बाद मैं अपने ड्रीम तक पहुंच ही गया।
कि पहाड़ियों के बीच बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, जो पैदल चल के कराची से आया था उसकी सफलता मुझे आखिर हासिल हो ही गई। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई है और इतने ये बड़े कि आप जिस जगह नज़र दौड़ाएंगे ये उतने बढ़ते ही जाएंगे, और इतने ऊंचे और ख़तरनाक खौफनाक रास्ते हैं यहाँ पे, चढ़ना दिल वालों का काम है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो बस यूं ही समझें कि डर के आगे जीत है। वो पहाड़ी जो है ना, असल में सबसे बड़ी पहाड़ी यहाँ की वो ही है। तो मैंने एक दिन ड्रीम बनाया है, जब मौसम नॉर्मल होगी पूरी सेटिंग के साथ, पूरे माइंड के साथ यहाँ पे आऊँगा, और एक दिन उस पहाड़ी को सर करना है मुझे। वहाँ बहुत नीचे से खाइयों से गुजर के ख़तरनाक ऊंचाई चढ़ाई रास्ते हैं, और वहाँ जान जाने का भी ख़तरा है। अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो यू गोना डाई, तो मरना और जीना ज़िंदगी का हिस्सा है। तो लेट्स सी, देखेंगे क्या होगा। अभी चलते हैं नीचे की तरफ, सबसे प्यारी जगह नंगर पार करके आए, तो इनसे पूछते हैं ये भाई कहाँ से आए हुए हैं। भाई कहाँ से आए हो आप लोग? हम जिला टंडोला से आए। जिला टंडोला से? कितने दिन से निकले हो आप लोग? सर हम तीन दिन से निकले। तीन दिन से। तो स्टे विस्टे कहाँ पे किया था रस्ते में? सलामकोट किया था। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ से आप सिर्फ व्यूज नज़ारे और यहाँ पे विजिटर टूरिस्ट की आप जुनून को चेक करें, और उनके हौसले को देखें कि कितना चल के लोग आए हुए हैं, ये देखें। कहाँ से आए बेटा आप लोग? हाँ, कराची से आए घूमने। बच्चों को भी पहाड़ पे चढ़ते हैं, देखें भाई किस तरह का जुनून है। देखो मेरे भाई, बच्चे भी पहाड़ पे चढ़ते हैं, आप लोग घरों में बैठे हुए एसी के रूम में। पूरा मैंने आपको दिखा दिया, एक मूर्ति बनी हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। गाइस तो चलते हैं, जावेद भाई से इजाज़त लेते हैं, और ये उनका फार्म हाउस था जहाँ पे मैं रुका तीन रातें, और इनका बहुत बड़ा शुक्रिया जी। गाइस जावेद भाई से इजाज़त ले लिए, लेकिन वो मेरे कैमरे में मसला आ गया है कुछ लगता है। जावेद भाई सॉरी, वो क्लिप रह गया था आपसे रुख्सत होते हुए का, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे और आपसे वो क्लिप भी लेंगे साथ जी। गाइस तो बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा मेरा, उमरकोट का, थर का, नंगर पार्कर का, मिट्टी का, काफ़ी एंजॉय किया मैंने इसमें और नए लोगों से। मेरी नेक्स्ट मंजिल है वो रनीकोट है। अभी हैदराबाद से ट्रिप शुरू करेंगे और रनीकोट के लिए, तो
तो अगली मुलाकात होगी, आप इंतज़ार कीजिएगा मेरा रनीकोट में। अगली मुलाकात होती है रनीकोट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।